शहर में डाली गई सीवरेज लाइन से आम रहवासी के घरों का सीवरेज का कनेक्शन किए जाने हेतु कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला में सीवरेज की कनेक्शन किस प्रकार से किया जाना है, नागरिकों को क्या सुविधा दी जाना है उस संबंध में बताएगा, जिसमें नागरिकों के घरों पर जाकर कनेक्शन की रसीद जारी कर सभी वार्डों में निर्धारित किए गए प्लम्बर से नागरिकों के स्वयं के व्यय से कनेक्शन करवा देंगे। इस हेतु निगम के राजस्व विभाग के वार्ड प्रभारी, स्वास्थ्य विभाग के सभी इंस्पेक्टर, सभी दरोगाओं को संपूर्ण जानकारी दी गई। नगर निगम आयुक्त विशाल सिंह चौहान के द्वारा आगामी 3 माह में जिन एरियों में सीवरेज लाइन डाली गई है, जिसमें रहवासी एवं कर्मेश्वर एरिया भी है, उनके सीवरेज के कनेक्शन के लिए लक्ष्य निर्धारित किया गया। आयुक्त ने लक्ष्य में ये बताया कि आगामी 3 माह में हम सीवरेज कनेक्शन 90% करना सुनिश्चित करेंगे। यह सभी बताया कि नागरिकों को सीवरेज कनेक्शन हेतु निगम में नहीं आना पड़ेगा, उनकी सुविधा के लिए वार्ड प्रभारी उनके घरों पर जाकर कनेक्शन किए जाने हेतु प्रेरित कर उनके घरों पर POS मशीन से रसीद जारी करेंगे, वार्ड में निर्धारित प्लम्बर के द्वारा कनेक्शन करवाएंगे। यह भी बताया कि कनेक्शन के लिए प्रेरित करने के पश्चात भी जो रहवासी सीवरेज कनेक्शन नहीं करवाएंगे उन पर चालानी कार्रवाई भी की जाएगी। आयुक्त ने बताया कि सीवरेज कनेक्शन होने से सीवरेज का गंदा पानी घरों के सामने नहीं आएगा, सीवरेज लाइन के माध्यम से सीधे ट्रीटमेंट प्लांट पर गंदा पानी जाएगा, जिससे रहवासी एरिया में नागरिकों के घरों के आसपास सीवरेज का गंदा पानी नहीं रहेगा। आयुक्त ने आम रहवासियों की अपील की है कि सीवरेज लाइन से घरों को सीवरेज का कनेक्शन अवश्य करावे। वहीं आयुक्त महोदय द्वारा श्रेष्ठ कार्य करने वाले कर्मचारियों को सम्मानित भी किया गया। देखिए, जैसे आप जानते हैं कि देवास शहर में सीवरेज का काम लगभग पूर्ण होने पर आ गया है और हमारे सारे सिटी पंपिंग स्टेशन चालू हो गए हैं। बहुत सारे एरिया में, मतलब 98% एरिया में हम लोगों की लाइनें जो एरिया प्लान थे उसमें डाल दी गई हैं। अब इसका लाभ जो है लोगों को मिल पाए, लोग कनेक्शन करवा पाए और जो घरों के आसपास गंदगी बहती है सीवरेज, उससे लोगों को छुटकारा मिले, उसको लेके हम लोगों ने आज एक वर्कशॉप रखी थी, जिसमें हमारे नगर निगम के जितने भी फील्ड के लोग हैं जो संबंधित हैं इस काम से, उनको बुलाया है, समझाया है कि किस प्रकार से हम कार्रवाई करेंगे। देवास से कैमरामैन अभिषेक खोनी के साथ राजेश पावर की रिपोर्ट।